press the bell icon on the YouTube app and never. तो as a home minister तो वो फेलियर है, और ये सिर्फ एक संजय की बात में नहीं कर रही हूँ, ये तो बिल्कुल सामने में है. 2022 में भी फरहाद हकीम ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें कॉरपोरेशन के इंजीनियर और लोकल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर से जुक्त हैं. तो स्कैम बोल लीजिए, चोरी बोल लीजिए, ब्राइब बोल लीजिए, रेप बोल लीजिए, सब कोलकाता पुलिस कर रही है, धड़ल्ले से कर रही है. अब कल भी मुझे कितने टीएमसी के प्रवक्ताओं ने रोड पर एक नेशनल न्यूज का डिबेट चल रहा था, रोड पर एक शो हो रहा था विक्टोरिया के पास, उसमें कह रहे एनसीआरपी का रिपोर्ट देखिए. मैंने कहा भैया थोड़ा थाना भी जाया कीजिए, ये बाउंसर लेकर के टीएमसी के प्रवक्ता बंगाल में क्यों घूम रहे हैं, बाउंसर तो हमारे पास होना चाहिए. मैंने कहा यही तो आपका डर दिख रहा है कि जनता से आप डर रहे हैं जो हम नहीं डर रहे. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. वंदे मातरम, भारत माता की जय. अंजू जी थैंक यू सो मच. वंदे मातरम, भारत माता की जय हो. नाज़िया जी आपके राज्य में हो क्या रहा है, बल्कि आपके शहर कोलकाता में ममता बनर्जी तो कल बहुत गर्जी, किस तरह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सीबीआई फांसी दो, सीबीआई फांसी दो. पता नहीं वो ये सब बोलते बोलते भूल जाती हैं कि वो एक इतने बड़े राज्य की सीएम है, गृह मंत्री है, पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री है, उनको ही फांसी पर चढ़ाने की दिशा में काम करना था उस आरोपी को, लेकिन अब वो सीबीआई से उम्मीद लगाकर बैठी हैं. उल्टा डरा धमका रही हैं कि अगर ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ तो असम में आग लगा देंगे, यूपी में आग लगा देंगे, दिल्ली में आग लगा देंगे. देखिए ममता बनर्जी अपने फेलियर को खुद से चीख चीख करके बता रही हैं कि वो ना ही एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वो अच्छी रही, ना ही एज अ होम मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वो अच्छी रही, ना ही एज अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वो अच्छी रही, और ना ही एज अ माइनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वो अच्छी रही. अब लोग पूछेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे कि चार मंत्रालय उनके हाथ में और चारों में वो कोई अनसक्सेसफुल कैसे हो सकता है. अब सबसे बड़ा पहली वजह कि एक महिला जो 2011 में शपथ लेती है, मिडिल ऑफ द ईयर 2011 में शपथ लेती है, और 2012 5 फरवरी को रेप होता है एक क्रिश्चियन बेटी का, और वो कहती है कि सजीवी घटना है, और कंटिन्यूअसली 2024 तक में हजारों लाखों रेप हो जाता है, पर कभी भी ना जजमेंट की बात करती है, ना जस्टिस की बात करती है, और ना ही विक्टिम के समर्थन में कभी खड़ी होती है. मुझे ये पूरा देश और विदेश ममता बनर्जी साहिबा का एक आंदोलन दिखा दे जिसमें वो ट्रिपल तलाक के विक्टिम के सपोर्ट में खड़ी हुई है, जिसमें वो हलाला के विरोध में खड़ी हुई है, जिसमें वो तलाक विक्टिम के साथ खड़ी हुई है, जिसमें वो रेप विक्टिम के लिए आंदोलन कर रही है कि इसको इंसाफ मिलेगा और हम देंगे क्योंकि हम मुख्यमंत्री हैं. अब आते हैं होम मिनिस्टर पर. भाई ममता बनर्जी का पुलिस खुद रेप कर रहा है, अब इसमें हम क्या बोलेंगे, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि वो विनीत गोयल जी जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर है उनके नाम का बाइक चलाता था. हाँ. जो बाइक सीबीआई ने सीज किया है वो बाइक विनीत गोयल जी के नाम से था, और वो कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाता था बजाबते, उसकी छाती पर जो वर्दी होती थी सिविक पुलिस की उस पर कोलकाता पुलिस लिखा रहता था, कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर. तो एज अ होम मिनिस्टर तो वो फेलियर है, और ये सिर्फ एक संजय की बात में नहीं कर रही हूँ, ये तो बिल्कुल सामने में है. 2022 में भी फरहाद हकीम ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें कॉरपोरेशन के इंजीनियर और लोकल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर से जुक्त हैं. तो स्कैम बोल लीजिए, चोरी बोल लीजिए, ब्राइब बोल लीजिए, रेप बोल लीजिए, सब कोलकाता पुलिस कर रही है, धड़ल्ले से कर रही है. अब कल भी मुझे कितने टीएमसी के प्रवक्ताओं ने रोड पर
एक नेशनल न्यूज का डिबेट चल रहा था, रोड पर एक शो हो रहा था विक्टोरिया के पास, उसमें कह रहे एनसीआरपी का रिपोर्ट देखिए। मैंने कहा भैया थोड़ा थाना भी जाया कीजिए, ये बाउंसर लेकर के टीएमसी के प्रवक्ता बंगाल में क्यों घूम रहे हैं, बाउंसर तो हमारे पास होना चाहिए। मैंने कहा यही तो आपका डर दिख रहा है कि जनता से आप डर रहे हैं, जो हम नहीं डर रहे, हम बाउंसर नहीं लेकर घूम रहे हैं और ना ही पार्टी हमें कोई बाउंसर दे रही है एक महिला होने के बावजूद भी, और आप टीएमसी के प्रवक्ता होकर के बाउंसर लेकर के घूम रहे हैं और आप मुझे एनसीआरपी का रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में अगर मान लीजिए कि एक महीने में 10,000 रेप होता है तो एफआईआर सिर्फ 10 होता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ करके पंचायती हो जाती है। मैं आपको याद बताती हूँ नाजी जी, मैं इसी मुद्दे पर आ रही हूँ, क्योंकि इस मुद्दे में ये भी खुलासा हुआ है कि जो एकदम घटना के दिन 11 बजे के आसपास आरजीकर अस्पताल की एक महिला अधिकारी है, उन्होंने पीड़िता के परिवार वालों से फोन पर बात की थी, वो उसका रिकॉर्डिंग अब पब्लिक डोमेन में है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि वो पहले कहती है तबीयत खराब हो गई, मैं बांग्ला बहुत अच्छे से समझती नहीं हूँ, बूझो अल्पो अल्पो हूं मैं, इस तरह से हूं, तो उसमें क्या कहा गया है, और उससे तो साफ पता चल रहा है कि आत्महत्या की थ्योरी एकदम से फ्लोट कर दी गई थी। नहीं, उसमें जिस महिला ने फोन किया था वो महिला अपने आप को बता रही थी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ आरजीकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उसने कहा है कि आपनर में অসুস্থ আছে, আপনি তাড়াতাড়ি একদম তাড়াতাড়ি আপনি হাসপাতাল চলে আসুন, मतलब कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हमने उसको इमरजेंसी में एडमिट किया है, आप तुरंत अस्पताल चले आइए। फिर दोबारा फोन आता है और फिर वो लोग वही डेप्यूटी सुपर बोलती है कि आप लोग जल्दी आइए, जितनी जल्दी हो सके आ जाइए, मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूँ, मैं तो डेप्यूटी सुपर हूँ इस हॉस्पिटल की, वो डॉक्टर बताएंगे आपको कि आपकी बेटी को हुआ क्या है। जो डिजीज है जिनके साथ इतना ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ है, उसके पिता पूछ रहे हैं, माँ पूछ रही है फोन पर कि हुआ क्या है, वो तो ठीक पे थी, उसको जोर आया है मतलब फीवर आया है, उसकी क्या तबीयत खराब हुई है, आप तो ये तो बताइए मुझे। नहीं, अपनी ताड़ाताड़ी शुद्ध अस्पताल चले आसुन, आप जल्दी से अस्पताल आइए, डॉक्टर बाबू अपना के पूछिए देबे, जानिए देबे आपनर मेके की होए छे, मतलब आप पहले अस्पताल आइए, उसके बाद डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी बेटी को हुआ क्या है। थर्ड कॉल आता है उसी लेडी का जो अपने आप को डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ आरजीकर हॉस्पिटल बोलती है, आपनर मे सुसाइड करे निए छे, এখানে পুলিশ জমা আছে, আমরাও আছি, ডাক্তাররাও আছে, চলে আসো, মতলব কি আপনি বেটি নে সুসাইড কর লিয়া হ্যায়, বহুত সারি পুলিশ ইয়াহ পর জমা হ্যায়, বহুত সারে ডাক্তারস ইয়াহ পর জমা হ্যায়, আপ ইয়াহ পর আ জাইয়ে, জিতনি জলদ হো সকে আপ আ জাইয়ে। তো উস ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট কো আর ডাক্তার জো গোল গোল সার্কেল লাগা করকে জো ব্যান্ড বাজা বারাত চলা রহে থে ওয়াহ পর, জিসকা ভিডিও ভি ভাইরাল হুয়া কি কিস হিসাব সে লোগো কি ভিড় ওয়াহ পর সেমিনার হল মে থি, तो वहां पर इतने सारे डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे शव को देख करके, बॉडी को देख करके कि उसके साथ क्या हुआ है। हमें सर्दी खांसी बुखार होता है या हमारे घर पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो फाइनल डिसीजन तो डॉक्टर का होता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि भाई बताओ कि ये मरा है कि ये बचा है, और वहां पर हजारों डॉक्टर्स और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि इस बच्ची के साथ ब्रूटल रेप हुआ है, इसका मर्डर हुआ है, बच्ची ने कोशिश की है अपनी जान को बचाने के लिए, और आप कह रहे हो फोन कर करके माता पिता को कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। 2021 में भी नर्स ने सुसाइड किया था। ऊपर नासिया जी, इस मामले में आप ये देखिए कि एक महिला अधिकारी ताबड़तोड़ 3 बार फोन करती है, तो किसने उसको कहा कि ये सुसाइड बताए, पहले कहती है आ जाओ तबीयत खराब है इमरजेंसी में है, फिर अचानक से कहती है सुसाइड कर लिया, और किसने उसको कहा, जो कल्प्रिट है मेन उसको तो पकड़ना चाहिए था, उसको तो पकड़ा नहीं ममता बनर्जी ने, और शोर मचाए जा रहे हैं सीबीआई फांसी दो सीबीआई फांसी दो, वो क्यों नहीं पूछते हैं कि ये जो अधिकारी थी महिला इसने किसके कहने पर ये किया, जो कमिश्नर है पुलिस कमिश्नर वहां के विनीत गोयल उनसे पूछा जाना चाहिए कि किसने ये थ्योरी देने के लिए कहा कि वो आत्महत्या है, जबकि कोई भी आम आदमी भी वहां पर होता, किसी मरीज का तीमारदार भी वहां पर होता, वो भी शव को देखकर बता सकता था कि कितने ब्रूटली उसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या की गई है, लेकिन उस अस्पताल की एक अधिकारी जो वहीं पे काम करती है काफी हद तक वो भी एक्सपीरियंस्ड हो गई होंगी, ऐसे शव देखकर वो भी कह रही कि आत्महत्या है, सोचिए किस बड़े पैमाने की साजिश है ये। देखिए वो बच्ची की बलि चढ़ाई गई है,
ममता सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने चेयर को बचाने के लिए, अपने स्कैम को छुपाने के लिए उन्होंने उस बच्ची की बलि चढ़ाई है। ये कोई रेप और मर्डर सिंपल साधारण नहीं है। उस बच्ची के पास बहुत सारे एविडेंसेस थे और 2021 से लेकर के 2024 तक के डेटा को अगर निकाला जाए तो आर्जिकल हॉस्पिटल में कई नर्सेस ने, कई वार्ड बॉय ने और कई महिला कर्मचारियों ने सुसाइड किया है। अब क्या पता कि वो भी सुसाइड नहीं था, क्या पता कि वो भी मर्डर था, क्या पता कि उन महिला जो कर्मचारी है उनके साथ भी रेप हुआ है, क्या पता कि उन नर्सेस के साथ भी रेप हुआ है। तो एक होता है कि रास्ते से लड़की रात में जा रही है और कुछ गुंडों ने उसको पकड़ लिया और रेप कर लिया क्योंकि उसके उसको उसको सडक्शन हो गया, वो सेड्यूस्ड हो गया। लेकिन दिस इज नॉट अ सिंपल रेप एंड मर्डर केस। यहाँ पर इस डॉक्टर बिटिया की बलि चढ़ाई गई है टीएमसी अपनी सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे रहस्य थे जो उस बच्ची को समझ में आ चुका था। अभी देखिए देश दुनिया, अब तो सिर्फ बंगाल में ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत गौर से समझना पड़ेगा, अब तो सिर्फ बंगाल में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है और सिर्फ भारत में भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ट्वीट के माध्यम से, कोई छोटे तरीके से, कोई बड़े तरीके से। कल ही मैंने देखा है कि स्वीडन में और अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ है, कल ही मैंने देखा है। और कल परसों के प्रोटेस्ट में जो नौबन्ना घिराव हुआ था उसमें मेरी मुलाकात एक जापान के रिपोर्टर से हुई, जापान के रिपोर्टर से, और उन्होंने कहा कि मैडम हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ इसी को रिकॉर्ड करने के लिए, इस प्रोटेस्ट को ही रिकॉर्ड करने के लिए, आप जरा बता दीजिए किससे किससे हमको बाइट लेना चाहिए। मैंने उनको कहा कि आप सिर्फ डॉक्टर से लीजिए, सिर्फ डॉक्टर का आप बाइट लीजिए, आपको किसी नेता का, क्योंकि ये नेता का प्रदर्शन है ही नहीं, ये नेताओं का प्रोटेस्ट है ही नहीं। अब बात आती है कि साजिश जो आप कह रही है कि वो सिर्फ कुछ और है, हाँ आखिर ये डॉक्टर टी आजमी कहाँ है जो उसी की कलीग थी, आखिर ये डॉक्टर शहजाद कहाँ है, आखिर ये डॉक्टर आजम कहाँ है जो उसी के कलीग थे जिन्होंने जिन्होंने उसको सेमिनार हॉल तक पहुंचाया था, जो कहते थे कि वो उसके जिगरी दोस्त है, वो कहाँ है, वो कहाँ गायब है। आज तो पूरा आर्टिकल से लेकर के देश विदेश के डॉक्टर्स रोड पर है लेकिन लेडी डॉक्टर टी आजमी कहाँ गायब है और डॉक्टर शहजाद कहाँ गायब है, डॉक्टर आजम कहाँ गायब है। सारे डॉक्टर्स को इतना मलाल है, इतना और जस्टिस मांगने का, सिर्फ डॉक्टर नहीं, मैंने देखा है कि कई एलएलबी की स्टूडेंट्स भी रोड पर उतरी है, कई वकील भी रोड पर उतरे, इवन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी प्रोटेस्ट निकाला और सुप्रीम कोर्ट के पूरे सीधे रास्ते से उन्होंने अपनी मिचल निकाली। कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ने, सीनियर एडवोकेट्स ने प्रोटेस्ट निकाला और उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज से अनुमति मांग करके निकाला। लेकिन ये तीन डॉक्टर कहाँ हैं, इनको बुरा नहीं लग रहा है, इनको इनको दुख नहीं हो रहा है, ये प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये गायब हो चुके हैं या इनको गायब करवाया गया है, ये छुप गए हैं या इनको छुपने पर मजबूर किया गया है, ये बंगाल में अब तक मौजूद है या इनको कहीं विदेश भेज दिया गया है, ये वाकई में इस बंगाल के सिटीजन थे या फिर किसी और राज्य के थे जो इनको बुला करके यहाँ पर ये घिनौना अपराध शायद एक नहीं शायद दो नहीं हजारों करवाए गए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने कैसे ममता सरकार की पूरी तरह से पोल खोली और ये बताया कि कैसे ममता जो है वो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है और कैसे ममता की जो पूरी जिहादी टीम है वो सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।